जयपुर की दो बाल वैज्ञानिक छात्राओं ने स्मार्ट सेंसर युक्त छड़ी तैयार की है। इस स्मार्ट छड़ी में लगा अल्ट्रासोनिक सेंसर नेत्रहीन दिव्यांगों को राह की बाधाओं से बचाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करती है स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक। जयपुर के सरस्वती बालिका विद्यालय की इन दो बेटियों ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट करते हुए ब्लाइंड स्टिक बनाई है, जिसे नाम दिया है स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक। नवी क्लास में पढ़ने वाली खुशी और प्रियंका ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। दृष्टिहीन लोग जब ये स्टिक लेकर चलेंगे तो किसी के सामने आते ही सेंसर बजने लगेंगे। हमने ये जो अंधे व्यक्ति होते हैं ना, उनके जो उपयोगी के लिए हमने एक ऐसा उपकरण बनाया है, इसका नेम ब्लाइंड स्टिक है। अगर ये अंधे व्यक्ति इसको लेकर चलते हैं तो उनके सामने कोई वस्तु आ जाती है तो उन्हें ये सेंसर है, इसमें बजर लगाए, वो बजने लग जाएगा। जैसे आप अभी आए तो ये बजने। इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाली प्रियंका का कहना है कि इसे बनाने में उन्हें एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त लगा। स्कूल की टीचर्स ने भी उनका साथ दिया। ये स्मार्ट छड़ी ब्लाइंड मैन के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इसको बनाने में हमको एक हफ्ते तक का टाइम लगा है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसमें हमारे टीचर्स ने भी हमारी हेल्प की है बहुत, और हमें ये बहुत उपयोगी उपकरण है। ये अंधे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। एक बार हमने देखा था, कोई व्यक्ति अंधा था, वो जा रहा था तो उसको एक्सीडेंट से डर लग रहा था, तो यही सोचकर हमने ब्लाइंड स्टिक बनाने का सोची कि जिससे जो अंधे लोग होते हैं उनको हेल्प मिले। स्कूल शिक्षिका कविता साहनी का कहना है कि पहले स्टूडेंट्स 11वीं क्लास में साइंस विषय लेने के बाद ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे, लेकिन अब 6ठी क्लास से ही बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाने लगे हैं। पहले क्या होता था कि पहले 11वीं में बच्चा साइंस सब्जेक्ट लेता था, उसके बाद ये सब काम वो करता था, इससे जुड़ता था, लेकिन अब छोटे बच्चों से 6 क्लास से लेकर के ये बच्चे छोटे से ही अभी से ये काम सीख गए हैं, तो आगे जा कर के ये बहुत अच्छा करेंगे ये सब। और ये एक जैसे पहले ये होता था कि नॉर्मल स्टिक से कोई भी ब्लाइंड पर्सन जा रहा है तो एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी है, लेकिन ये जो सेंसर वाला है इससे उनकी काफ़ी सिक्योरिटी हो सकती है। कुल मिलाकर बाल वैज्ञानिकों का ये प्रोजेक्ट बड़े लेवल पर लॉन्च हुआ तो नेत्रहीन दिव्यांगों की जिंदगी को कुछ आसान जरूर कर सकता है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।